हिमाचल न्यूज एनालिसिस। ये न्यूज एनालिसिस हम प्रीलिम और मेंस दोनों को साथ में रखकर कर रहे हैं और हिमाचल के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यूज हो रहे हैं। यदि आप एपीएसआई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे इस कोर्स को हमारी वेबसाइट रजिस्ट्रेशन पर अवेल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 सितंबर से एपीएसआई की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है, तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की न्यूज की बात करते हैं। पहली न्यूज है, हिमाचल में ऑनलाइन सेवा पोर्टल में 31 नई सेवाएं शामिल की गई है। 31 नई सेवाएं क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब भी हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम की, ठीक है जी, आपको जो सेवाएं हैं वो ऑनलाइन माध्यम से दी जाएंगी। इसमें हमने देखा रिसेंटली ही ड्रोन नीति में हिमाचल प्रदेश अव्वल, ड्रोन नीति भी हिमाचल प्रदेश में लाई गई है। कुछ कंपनीज को राइट दिए गए हैं, वो ड्रोन नीति के तहत लोगों तक सामान पहुंचा सकते हैं और उसके बाद इसका ट्रायल भी शुरू हुआ। दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन से सप्लाई, मेडिकल कॉलेज नेर चौक और धर्मशाला में टांडा मेडिकल कॉलेज तक दवाएं पहुंचाने के लिए ड्रोन का सफल ड्राइव रन किया गया था, तो ये भी सफल हो चुका है हिमाचल प्रदेश में। दूसरा, शिमला धर्मशाला में सॉफ्टवेयर पार्क प्रीलिम के लिए इम्पोर्ट। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि हाल ही में जो सॉफ्टवेयर पार्क है वो कहाँ पर बनने जा रहा है। आईटी निवेश को बढ़ावा देने के लिए शिमला और धर्मशाला के गगल में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के 2 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश कौशल विकास को सोलन जिले के बाकना घाट आईटी पार्क में स्थानीय युवाओं के कौशल विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध करवाई गई। इंपॉर्टेंट आता है फिर है विभागों में ई ऑफिस परियोजना। नेक्स्ट इज 4,39,456 शिकायतें दर्ज की गई, इसके द्वारा मुख्यमंत्री सेवा संकल्प जो हेल्पलाइन है उसके जरिए, तो आपको याद क्या रखना है कि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन कौन सा है, तो वो है आपका 1100। देखते हैं जरा इस आवेदन में और क्या कहा गया है। आईटी विभाग ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान ऑनलाइन डिलीवरी के लिए हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल में 31 नई सेवाएं शामिल की है। इनमें से 28 सेवाएं बागवानी विभाग और 3 शहरी विकास विभाग की है। अब देखिए टोटल कितनी, 31 में से अगर देखा जाए तो 28 जो है वो है बागवानी विभाग और 3 जो है वह है शहरी विकास विभाग से। प्लेटफॉर्म अगर आपको याद रहता है ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। पोर्टल के माध्यम से प्रतिदिन 4500 आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा पंचायत स्तर पर सेवाओं के वितरण की सुविधा के लिए इस पोर्टल की 68 सेवाएं लोक मित्र केंद्र के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। जो सेवाएं ये दी जा रही है ये लोक मित्र केंद्र के माध्यम से भी दी जा रही है, यानी कि उन सेवाओं को आप ऑनलाइन भी अवेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, तो वो आप ऑनलाइन भी अवेल कर सकते हैं। 2314 सरकारी कार्यालय बोर्ड निगम हिमस्वान के माध्यम से जोड़े गए हैं और प्रदेश के लोगों को पारदर्शी और उत्तरदायी सुशासन प्रदान करने के लिए अपने संकल्प की दृष्टि से सरकार ने अपने कामकाज में आईटी के अधिकतम उपयोग का लगातार बढ़ावा दिया है और सरकार ने HPID, ITES और ESTM नीति 2019 अधिसूचित की है। तो ये 2 जो सुविधाएं हैं, सूचना है, अधिसूचना है, ये गवर्नमेंट द्वारा 2019 में जारी की गई है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश रैंक्स हाई इन ट्रैकिंग क्रिमिनल एंड शेयरिंग डाटा। अब ये वाला टॉपिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम के लिए तो है लेकिन मेंस के लिए ज्यादा है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो मेंस के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और प्रीलिम के लिए कम इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रीलिम की प्रिपरेशन हो जाती है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें कही गई है। हिमाचल प्रदेश का आपको मैप दिख रहा है, डिटेल में इसमें जाते हैं जरा कि क्या कहानी है यहाँ पर। तो कहानी यहाँ शुरू होती है, हिमाचल हैज नॉट ओनली अटेन द टॉप पोजिशन इन इंटरऑपरेबल क्राइम जस्टिस सिस्टम, क्या कहा गया है यहाँ पर, टर्म आई है ICGS। नेक्स्ट स्लाइड में इसका मतलब भी समझते हैं, यानी कि जब आप डाटा शेयर कर रहे हैं किसी दूसरे के साथ, फॉर एग्जाम्पल पुलिस शेयर कर रही है डाटा, फॉरेंसिक में जो डाटा है वो शेयर कर रही है किसके साथ, कोर्ट के साथ कर रही है या किसी दूसरे के साथ भी जो डाटा शेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट एजेंसी के साथ, तो उसको हम यहाँ पर कह सकते हैं इंटरऑपरेबल। ठीक है जी, ICGS ranking in the country but has also managed to bring down crime against women। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश अपनी टॉप पोजीशन पर है इंटरऑपरेबल क्राइम जस्टिस सिस्टम में, ICGS में। इसके साथ साथ में ही हिमाचल प्रदेश में जो महिलाओं के प्रति जो आप यहाँ पर क्राइम होते हैं उस रेट में भी कमी आई है। जनवरी से जुलाई 2021 में 960 केसेस थे और जनवरी टू जुलाई 2022 में ये केसेस घटकर
936 रह जाते हैं। स्टेप टू कर्ब क्राइम, 1582 केसेस ऑफ रेप एंड दोज अंडर पोक्सो एक्ट पेंडिंग ट्रायल। हिमाचल प्रदेश बिगिंस रोबस्ट ट्रायल मैनेजमेंट फॉर सच केसेस। अभी ये जो केसेस पेंडिंग है पोक्सो के अंदर जो केसेस पेंडिंग है उनके लिए यहाँ पर क्या सिस्टम लाया गया है, रोबस्ट ट्रायल मैनेजमेंट फॉर सच केसेस। विमेन हेल्प डेस्क सेट अप इन ऑल 146 पुलिस स्टेशन इन द स्टेट। टोटल कितने हैं, पुलिस स्टेशन 146। इसके लिए विमेन डेस्क यानी कि आपको विमेन्स के लिए अलग तरीके की जो ट्रीटमेंट है वो दी जाए उनके लिए स्पेशल तरीके से, हो ऐसा ना हो कि जैसे कि होता है महिलाओं के लिए स्पेशल कांस्टेबल होते हैं, महिला कांस्टेबल को ही गिरफ्तारी कर सकती हैं इस तरीके से, यानी कि महिलाओं को यहाँ पर सुविधा ज्यादा दी जा रही है जो कि बहुत अच्छी बात है। द ICGS रैंकिंग फॉर जुलाई वॉज रिलीज रिसेंटली बाई द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के द्वारा, डाटा इम्पोर्ट है। NCRB ने जो डाटा जारी किया, The ICGS is an initiative of E-Committee of Supreme Court. पहली बार सुप्रीम कोर्ट की जो ई कमेटी थी उनके द्वारा ये ICGS जो ये मेथड है उनके द्वारा दिया गया। To enable seamless transfer of data and information among different pillars of criminal justice system. जब हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, कोर्ट, पुलिस, जेल एंड फॉरेंसिक लेबोरेटरीज। तो इन सभी के बीच में जो डाटा है वो ट्रांसफर हो जाए अच्छे तरीके से, उसे ही कहते हैं ICGS। द ICGS वॉज इम्प्लीमेंटेड इन हिमाचल प्रदेश इन दिसंबर 2020। वेरी इंपॉर्टेंट कि हिमाचल प्रदेश में ICGS यानी कि इंटरऑपरेबल क्राइम जस्टिस सिस्टम, उसमें क्या होता है कि हम डाटा को शेयर करते हैं जो भी अलग अलग बॉडीज हैं जिसमें इन्वॉल्व होता है, जो जो इस केसेस में इन्वॉल्व होते हैं जैसे कोर्ट, पुलिस, जेल, फॉरेंसिक्स, ये चीजें हैं। इसके साथ साथ में ही द प्लेटफॉर्म इज बैकड बाय क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS। पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया कि CCTNS क्या है। CCTNS का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश में कोई क्रिमिनल है और वो भाग करके कहां चले जाता है, महाराष्ट्र चले जाता है। अगर महाराष्ट्र चले जाता है तो वहां की पुलिस के साथ एक नेटवर्क ऐसा बना हुआ है कि मान लीजिए ये हिमाचल गवर्नमेंट है और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, तो यहां से भाग करके कोई कहां चले जाता है, महाराष्ट्र चले जाता है, और हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो इस साइट पर उस व्यक्ति का जो भी डाटा है वो यहां पर डाल देती है कि ये व्यक्ति जो है यहां से भाग गया है। तो महाराष्ट्र की पुलिस CCTNS के द्वारा माध्यम से देखेगी कि क्या व्यक्ति यहाँ पर पाया जा रहा है, वहां की पुलिस देखेगी, वहां की पुलिस ट्रैक करेगी इस चीज को। तो यानी कि जो सिस्टम है अब हर जगह है, अब जो अपने सिस्टम का जो डाटा है वो हर जगह शेयर कर रहे हैं, इसकी डिटेल यहाँ पर आ गई है, तो महाराष्ट्र की पुलिस भी यहाँ पर इस साइट पर जाकर के डाटा देख सकती है। तो यही है मतलब आपका क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, ताकि उस व्यक्ति को जो क्रिमिनल है इसको अच्छे तरीके से आसानी से इसको ट्रैक किया जा सके। द स्टेट हैज आल्सो टॉप अमंग द हिली स्टेट इन द CCTNS रैंकिंग एंड स्टैंड फोर्थ ओवरऑल। तो चौथा ओवरऑल में अगर हम इंडिया की बात की जाए और टॉप पोजीशन पर अगर हिली स्टेट की बात की जाए, ये पहले भी न्यूज में आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंप्लायंस रेट अंडर, सॉरी यहाँ पर एक टर्म थी, एंड इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्शुअल ऑफेंसेस ITSSO, इसके द्वारा वैकेंट किया गया है हिमाचल प्रदेश में। द प्लेटफॉर्म इज बैकड बाय क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम एंड इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस, जिसकी बात कर रहे हैं हम ICGS की बात कर रहे हैं। द कंप्लायंस रेट अंडर ITSO हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 22.9%। तो ये रेट जो है वो अब बढ़ चुका है, यानी कि इसके जो नियमों का पालन है वो पहले उतने अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था, अब अच्छे तरीके से हो रहा है। In 2018 to 82.6% in 2020 due to weekly monitoring. The ITSSO is an online module that helps to monitor the investigation into sexual offenses. There are 3,927 sexual offenders in the states. So, बात यहाँ पर किस चीज की हो रही है, सिर्फ sexual offenses की, यहाँ पर इस दो लाइनों में यहाँ पर कहा गया है। तो ITSSO से आपको यहीं से जानकारी मिल गई कि वो किस पर ट्रैकिंग रखते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस पर। और हिमाचल प्रदेश में ये डाटा कितना निकल के आ रहा है, 3927
As a result of several initiatives aimed at tracking crime against women, the number of cases from January to July had declined marginally from 960 in 2020 to 936 in 2022. तो ये केसेस अगर हम पिछले साल देखें, पिछले साल कंपैरिजन में देखें, अब ये केसेस जो है महिलाओं के खिलाफ अब कम हो गए हैं, ये इस आर्टिकल में बेसिकली कहा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें, टू डेज सेमिनार ऑन नेशनल सिक्योरिटी कंक्लूड्स एट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है, नेशनल सिक्योरिटी पर बात हुई हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। देखते हैं, टू डे नेशनल सेमिनार इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी मिलिट्री चैलेंजेस मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सेज विच वॉज ऑर्गेनाइज बाई द डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एंड स्पॉन्सर्ड बाई इंडियन काउंसिल फॉर साइंस एंड रिसर्च कंक्लूड ऑन संडे। तो बात किसकी हो रही है, सिर्फ यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी की हो रही है, उस पर यहाँ पर सेमिनार कंडक्ट किया गया। तो मैं ये नहीं है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल, हिमाचल के हुनरमंद हाथों की पूरी दुनिया दीवानी। इस आर्टिकल में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो हमारे प्रीलिम और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या कहा गया है। देखते हैं, द्वार लेखन देता है शुभ समारोह का संगीत। हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा कि मकानों में कुछ लिखा जाता है, कुछ ऐसे चित्र बनाए जाते हैं, भीति चित्र बनाए जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में द्वार लेखन या भीति लेखन की परंपरा प्राचीन समय से प्रचलित है। आज भी घर में जब कोई शादी समारोह या मुंडन का अवसर होता है तो यह कला घर के द्वार पर शुभ समारोह का संकेत देती है। जब भी शादी होती है आपने देखा होगा कि वहां पर कुछ रंग होते हैं, हाथ से ऐसे रंग लगाए जाते हैं, ठीक है, और कुछ लिखा जाता है, अगर दीवार के ऊपर भी लिखा जाता है। इस कला को लेकर ऐसा कहना है कि पहले समय में जब संसाधनों का अभाव था तब गांव जो शादियां होती समारोह में प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग किया जाता था। जितने भी सोर्सेज है जो गाँव में जितने भी सोर्सेज है उन सभी का प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता था, चाहे वो रंग हो, चाहे वो किसी तरीके के पत्ते हो, फूल हो, सबका प्रयोग किया जाता था। उस समय घरों में लगने वाले स्वागत द्वार के लिए घर के आंगन के मुख्य द्वार पर बांस के दो डंडों के सहारे, जो आज गेट लगता है, लोहे का गेट लगता है, तो उस समय क्या होता था, उस समय बांस के दो डंडे ऐसे खड़े कर दिए जाते थे और चीड़ की पत्तियों के साथ स्वागत गेट बनाया जाता था। पूरा इंटरेस्टिंग है ये आर्टिकल, जो सीधे तौर पर यह संदेश होता था कि घर में कोई शादी या मुंडन समारोह है। द्वार लेखन का इतिहास, हिमाचल प्रदेश में द्वार लेखन कला का इतिहास 20वीं सदी से ही देखा जा सकता है और चित्रकला के रूप में इसका जनक चित्रेरे यानी कि बढ़ई को माना जा सकता है। इन्होंने इस कला को चित्रकला के रूप में प्रयोग किया। धीरे धीरे यह लेखन परंपरा शादी समारोह से लेकर मुंडन शुभ कामों में प्रचलित होने लगी। तो पहले शादी में होता था, फिर मुंडन में भी शुरुआत होने लगी। पक्के मकानों के साथ गुम होने लगी कला, जैसे जैसे पक्के मकान बनने लगे तो ये जो कलाएं थी, हिमाचल प्रदेश का जो कल्चर था वो भी थोड़ा सा डिक्लाइन करता रहा और आज हम देखते हैं कि कल्चर जो था अब बिल्कुल चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है कल्चर। प्रदेश में जैसे जैसे पक्के मकानों का प्रचलन बढ़ा वैसे ही घरों में द्वार लेखन की परंपरा विलुप्त होने लगी। अब शादी विवाह में द्वार लेखन के लिए बाजार में कागज पर बने द्वार लेखन को प्रयोग किया जाता है जिससे घरों की दीवारों पर कोई असर ना हो। हालांकि अभी भी कांगड़ा कला संग्रहालय में चित्रों के रूप में इस लेखन को उकेरा गया है। तो कुछ ही क्षेत्र में ऐसी चीजें बची हैं, लेकिन आज तो क्या है, जो सीमेंट के घर बन गए हैं तो लोग ये चाहते नहीं है कि उनकी दीवारें खराब हो, तो अब ये जो परंपरा है वो विलुप्त हो रही है। दूसरा देखते हैं हम, पहाड़ी संस्कृति सभ्यता का परिचायक सिरमौरी लोहिया। तो ये सिरमौरी लोहिया है, आपने देखा होगा कई बार सिरमौर के लोग जो है बेसिकली इसको सर्दियों में पहनते हैं। इसको सिरमौर की समृद्ध संस्कृति एवं सभ्यता का परिचायक लोहिया प्रदेश ही नहीं देश विदेश में भी काफी प्रसिद्ध है। लोहिया सिरमौर के ट्रांसगिरी की पहचान है। जो ट्रांसगिरी वाला जो क्षेत्र है ये हो गया आपका सिरमौर, ये वाला जो पोर्शन हो गया ये हो गया ट्रांसगिरी, यानी कि गिरिपार का इलाका हो गया, ये हो गया सिसगिरी और यही के लिए बात हो रही है आपके एसटी स्टेटस की भी, जो हमने डिटेल डिस्कशन की है, आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगी तो किसी ने नहीं देखी है तो। नेक्स्ट, सामाजिक कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि को सम्मान के तौर पर लोहिया भेंट करने की परंपरा आज भी जारी है। पारंपरिक तौर पर सर्दियों के मौसम में वस्त्रों के ऊपर पहने जाने वाला लोहिया ऊन का बना होता है। कई बार क्या होता है कि मेंस में हमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
या आपको इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी एक चीज के बारे में बताइए, फॉर एग्जाम्पल आप बता दीजिए कि चंबा रुमाल उसके बारे में बता दीजिए, ये टैग मिला हुआ है, सिरमौली लोहिए के बारे में बता दीजिए, तो थोड़ा बहुत यहाँ से आपको डाटा मिल जाएगा। आजकल यह अन्य ऊनी व सूती मिश्रित पट्टियों का भी बनाया जा रहा है। भेड़ बकरियों के पेशे से जुड़े अधिकांश लोग ऊन को स्वयं काटा करते थे और ग्रामीण स्तर पर ही स्थानीय बुनकरों से 9 इंच चौड़ी पट्टी बनवाई जाती थी। उन पट्टियों को जोड़कर लोहिया बनाया जाता था। तो 9 इंच की जो पट्टियां होती हैं वो लाई जाती थी और खुद ही बुनते थे उसको, जो भेड़ चालक थे उनके द्वारा ही। नेक्स्ट जाते हैं, लोहिया कश्मीर में पहने जाने वाली फेरन से मिलता जुलता है। वहां पर क्या बोलते हैं इसको, कश्मीर में बोलते हैं इसको फेरन। आपने देखे होंगे कश्मीर के लोग ऐसे एक बड़ा सा चूल्हा पहनते हैं जो लोहिया की तरह होता है, लेकिन उसमें बाजू होते हैं। ग्रामीण लोहियों का उपयोग कई प्रकार से करते हैं, उन्हें इससे सर्दियों में ठंड से राहत मिलती है और किसान बागवान जब कोई बोझ पीठ पर उठाता है तो पीठ पर इसका दबाव भी कम पड़ता है। यही नहीं, यदि कहीं रात की जरूरत पड़े तो लोग इसे ओढ़कर आराम से सो जाते हैं। सिरमौर के लोहिया को देश विदेश में पहचान हिमाचल प्रदेश निर्माता तथा मुख्यमंत्री दिवंगत डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने दिलाई। वो अक्सर सर्दियों में लोहिया पहना करते थे, तो उनसे आप रिलेट कर सकते हैं जहां पर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए। तो जो पहचान दिलाई वो किसने दिलाई, मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। पछाड़ के नानू निवासी सुंदर सिंह ठाकुर व जय प्रकाश चौहान ने बताया कि डॉक्टर परमार के कार्यकाल में अधिकारी लोग भी पैंट कोट के ऊपर लोहिया पहना करते थे। अब सर्दियां कम होने से इसका चलन कुछ कम हुआ है। जैसे ही सर्दियां कम हुई, ठंड अब कम होने लगी है, वैसे ही इस लोहिया का जो प्रचलन है वो भी कम हो रहा है। नेक्स्ट है आपके पास, देश दुनिया में है चंबा चप्पल के पहनने के मुड़ी। चंबा चप्पल जो बहुत ही फेमस है, इस तरीके से दिखाई देती है चंबा चप्पल। अब देखते हैं इसके बारे में जरा क्या बताया गया है। चमड़े पर जरी और रेशम के धागे से महीन कारीगर से तैयार चंबा चप्पल का डंका देश विदेश में बजता है। चंबा चप्पल का इतिहास 500 साल पुराना बताया जाता है। कितना बताया जाता है इसका टाइम पीरियड, कि 500 साल पुराने हैं। जनश्रुति के अनुसार 16वीं शताब्दी में चंबा के राजा की पत्नी के दहेज में कारीगर चंबा लाए गए थे। जब 16वीं शताब्दी में चंबा के राजा की जो पत्नी है वो आई चंबा की जो रानी, तो उनके साथ कुछ कारीगर भी लाए गए। ये कारीगर राज परिवार के लोगों के लिए चंबा चप्पल बनाते थे। समय के साथ साथ कारीगर चंबा चप्पल लोगों के लिए भी बनाने लगे और बेचने लगे। चंबा चप्पल के संरक्षण के लिए सरकार ने इसकी GI टैगिंग हासिल कर ली है। तो इसको GI टैग भी मिल चुका है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्ट है। अब ये ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। लुप्त हो रही इस कला को बचाने के लिए आज भी लगभग 500 कारीगर प्रयासरत है। तो आज भी कार्य चल रहा है, लेकिन उतने बड़े स्तर पर नहीं चला हुआ है जितने की पहले स्तर पर चला हुआ था। शुरुआत कैसे होती है, जब रानी यहाँ पर आती है, चंबा की रानी, शादी उनकी होती है यहाँ पर, जब चंबा क्षेत्र में वो आती है तो उनके साथ कुछ कारीगर भी लाते हैं वो अपने साथ दहेज के तौर पर। नेक्स्ट है, कुल्लू शॉल ने बनाई अपनी अनूठी पहचान। अब यहाँ पर कुल्लू शॉल के बारे में बताया गया है, देखते हैं कुल्लू शॉल के बारे में। कुल्लू शॉल ने देश विदेश में अपनी अनूठी पहचान बनाई है। आधुनिकता के तौर पर अब कुल्लू शॉल अपने आकर्षक डिजाइन और पैटर्न के लिए भी जानी जाती है। जिला कुल्लू में हथकरघा उद्योग से करीब 10,000 लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। कितने लोग जुड़े हुए हैं, 10,000 लोग। सिर्फ कहाँ की बात हो रही है, सिर्फ कुल्लू की बात हो रही है, पूरे प्रदेश की बात नहीं हो रही है। अकेले बुटीको संस्थान में करीब 12,000 लोगों का रोजगार मिल रहा है। बुटीको आपने देखा होगा हर एक क्षेत्र में, बुटीको का अपना एक अपनी एक शॉप होती है, तो आप वो देख सकते हैं अपने करीबी कहीं भी आपके डिस्ट्रिक्ट होगी वहां पर हो जाएगा, शिमला में भी है। और सहकार के क्षेत्र में बुटीको का सालाना कारोबार करीब 15 करोड़ के आसपास है। बुटीको के महाप्रबंधक रमेश ठाकुर के अनुसार कुल्लू का शॉल अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों तक निर्यात हो रहा है। पश्मीना अंगोला को ऊन की डिजाइन वाली शॉल को एक कुशल बुनकर 3 दिन में तैयार करता है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ये बन जाता है, इसके लिए लगभग 3 दिन लगते हैं एक कारीगर को। और इसमें जो यूज किया जाता है वो है आपका पश्मीना, फिर है आपका अंगोरा और ऊन, जिसको बनाने के लिए यूज की जाती है। सिर्फ ऊन के ही नहीं बनते हैं ये, और डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बनते हैं, ऑनलाइन आपको मिल सकती है ये कुल्लू शॉल्स। नेक्स्ट है चंबा रुमाल की शानदार कशीदाकारी। अब चंबा रुमाल की बात होगी, पहले हमने चंबा चप्पल की बात की, कुल्लू शॉल की बात की, सिरमौरी लोहिया की बात की।
चंबा रुमाल अपनी अद्भुत कला और शानदार कशीदाकारी के लिए जाना जाता है। चंबा रुमाल की कारीगरी मलमल, सिल्क और कॉटन के कपड़ों पर की जाती है। श्री कृष्ण लीला को बहुत ही सुंदर ढंग से रुमाल के ऊपर दोनों तरफ कढ़ाई करके उकेरा जाता है। कृष्ण लीला जो है भगवान कृष्ण और उनके साथ गोपियां राधा, उसे कहा जाता है कृष्ण लीला हो गया आपका। महाभारत युद्ध, गीत गोविंद से लेकर कई मनमोहक दृश्यों को इसमें बड़ी संजीदगी के साथ बनाया जाता है। रुमाल बनाने में 2 सप्ताह से 2 महीने का समय लग जाता है। इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। जब हम बात कर रहे हैं जीआई टैग, जिसको जीआई टैग मिल चुका है हिमाचल प्रदेश में, तो उसके बारे में हमारे पास थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। कुछ ही ऐसी चीजें हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है हिमाचल प्रदेश में। तो कीमत अधिक होने के कारण चंबा रुमाल को बेचना मुश्किल होता है और देश के विभिन्न हिस्सों में इसे खरीदना आसान नहीं होता है। चंबा आकर खरीदना या फिर मंगवाना पड़ता है। ब्रिटिश अधिकारियों और पड़ोसी रियासतों के राजाओं को रुमाल उपहार के रूप में दिया जाता था। जर्मन व इंग्लैंड संग्रहालय में भी चंबा रुमाल मौजूद है। अब दिक्कत यह है कि ऑनलाइन में उतनी ज्यादा नहीं मिलती है, तो वहीं पर जाकर के ऑर्डर करना पड़ता है और इसको बेचना भी मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल की जो रुमाल है तो बहुत सारी है बाजार में, सिर्फ यही क्यों खरीदें, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन कारीगरों के लिए। चंबा रुमाल का इतिहास देखते हैं कि क्या है इसका इतिहास। 18वीं सदी में चंबा रुमाल तैयार करने का काम अधिक था। कब था इसका काम? 18वीं सदी में। और राजा उमेद सिंह ने कारीगरों को प्रोत्साहन दिया। 1911 में दिल्ली दरबार में चंबा के राजा भूरी सिंह ने ब्रिटेन के राजा को चंबा रुमाल तोहफे में दिया। इम्पोर्टेंट। 1965 में पहली बार चंबा रुमाल बनाने वाली महेश्वरी देवी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नाम याद रखिएगा, महेश्वरी देवी किस चीज से रिलेटेड है, तो वो है चंबा रुमाल से। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। चंबा रुमाल का विकास राजा रासी और रानी शारदा के समय सर्वाधिक हुआ। फिर से इंपॉर्टेंट लाइन, चंबा रुमाल को प्रोत्साहित करने के लिए चंबा के राजा उमरेद सिंह ने रंग महल की नींव रखी। तो ये तो आपने कई बार सुना होगा कि रंग महल की नींव किसके द्वारा रखी गई। रंग महल, आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि रंग महल कब बनाया गया था। तो राजा उमेद सिंह ने रंग महल की नींव तो रखी। क्यों रखी? वो इसलिए रखी क्योंकि वो उसको चंबा रुमाल को प्रोत्साहन देना चाहते थे। चंबा रुमाल पर कुरुक्षेत्र युद्ध की लघु कृति जो विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है, चंबा के शासक गोपाल सिंह ने 1873 में ब्रिटिश सरकार को ये भेंट किया था। तो ये थी थोड़ी सी जो चंबा रुमाल है उसकी हिस्ट्री। नेक्स्ट पे आते हैं मुगलों और लोक चित्रकारों के संयुक्त काम से निकली कांगड़ा चित्रकला। आप देख रहे हैं कांगड़ा चित्रकला की बात करते हैं जरा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। जम्मू से लेकर गढ़वाल तक फैली पहाड़ी रियासतों में उत्पन्न हुई लोक संस्कृति, लोक कला और मुगल कला से के मिश्रण से तैयार हुई इस कला को ही पहाड़ी चित्रकला के नाम से जाना जाता है। जब हम बात करते हैं पहाड़ी चित्रकला, बशौली चंबा आदि शैलियां इसमें आती है। हमने देखा बशौली टाइप ऑफ पेंटिंग, चंबा पेंटिंग, पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो उसमें बताया गया है 18वीं सदी में कांगड़ा चित्रकला शैली का जन्म कांगड़ा के गुलेर से हुआ। स्टार्टिंग इसको क्या कहा था? गुलेर टाइप ऑफ पेंटिंग, उसी से इसका उदय हुआ है। कांगड़ा चित्रकला को विशेषज्ञ धनी राम खुशदिल ने कहा कि मुगल चित्रकला शैली के कलाकार कश्मीर के परिवार को राजा दलीप सिंह ने अपने राज्य गुलेर में शरण दी और गुलेर चित्रकला विकसित होना शुरू हुई। इसके बाद गुलेर के राजा गोवर्धन चंद के समय में और आगे बढ़ी और बाद में कांगड़ा के शासक महाराजा संसार चंद कटोच के शासनकाल में इस शैली का स्वर्णयुग था और यह शैली शीर्ष तक पहुंची। अगर बात की जाएगी अपने सबसे पीक पर कब थी कांगड़ा पेंटिंग, कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, तो वो थी संसार चंद के टाइम पीरियड में। ये मेन्स में क्वेश्चन आ चुका है कि पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग के बारे में बताइए। तो यहां से हमने देखा कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, एक यहां से हो जाता है, शुरुआत कहां से होती है? गुलेर से ही होती है, अपने पीक पर पहुंचता है संसार चंद के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है पवित्रता का प्रतीक कुल्लू की पुले। इस तरीके की पुले बनाई जाती है, हाथ से बनाई जाती है, किसी मशीन के तहत नहीं बनाई जाती है, हाथ से तैयार होती है। ये देखते हैं कुल्लू का हस्तशिल्प दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हाथों के द्वारा जो बनाई जाती है यहाँ की टोपी, शॉल, मफलर और जुराबों का हर कोई दीवाना है। कुछ समय से यहाँ की पारंपरिक कुलों की और भी लोग एकाएक आकर्षित हुए। किस तरीके से? भले ही कुल्लू की पुले दुनिया के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ के ग्रामीण परिवेश में पुले
ये चप्पलें होती हैं, फूले जो होती हैं वो चप्पलें ही होती है बेसिकली, लेकिन उनको आप अगर सर्दियों में पहनते हैं तो वो ठंड नहीं लग देती है, गर्मी महसूस करवाती हैं, ठंड नहीं लगती है उससे। हालांकि समय के साथ इनका जल कम हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इन फूलों को काशी विश्वनाथ मंदिर में इस्तेमाल करने की सलाह दी तो लाजमी तौर पर सबके जहन में एक सवाल उठा कि आखिर इन चप्पलों की क्या खासियत है जिसके मुरीद खुद प्रधानमंत्री मोदी हो गए हैं। अब जब भी कोई फॉर हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए या कोई ऐसे बड़े लोग हो गए जो इस तरह का यूज करते हैं, जो पुरानी हमारी शैली है, जो पुराना हमारा कल्चर है उसको अडॉप्ट करते हैं, तो बेसिकली जो हमारे लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो भी उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इन्होंने ऐसा क्यों किया, हम भी थोड़ा सा करते हैं। जरा कुल्लू की स्थानीय बोली में इन चप्पलों को पुल्ले कहा जाता है, बेसिकली इनको बोलते हैं पुल। ये चप्पल आरामदेह होने के साथ साथ पवित्र है। मंडी कुल्लू में फूलों को भांग के रेशों के साथ जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। भांग के पत्ते के तने के साथ ही बिउल के रेशों का भी इसे बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए दो चीजें हैं, एक तो है भांग। भांग का यूज क्या होता है, जो उसमें तना होता है उस तने से निकाला जाता है, जो बाहर का जो उसका पार्ट होता है उसको निकाला जाता है, उसको पिरोया जाता है, उसके बाद ही चप्पलें बनती है। और दूसरा है बिउल, उससे भी ये चप्पलें बनाई जाती है। दूसरा एक हो गया भांग का तना और दूसरा भांग के तने का भी जो बाहरी वाला है जो उसकी शेल्फ है उससे, और दूसरा हो गया ब्यूट। इन्हें पवित्र माना जाता है, इन्हें पहनकर देव स्थल के भीतर जाने में कोई पाबंदी नहीं होती है। इसी खासियत को जानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल्लू की फूलों को काशी विश्वनाथ के पुजारियों, सेवादारियों और सुरक्षा कर्मियों के लिए खड़ाऊ का बेहतरीन विकल्प माना। अब खड़ाऊ जो है थोड़ी मुश्किल होती है पहननी, उसका यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर कोई पहली बार उनका यूज करा, लेकिन फूलों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और ये पवित्र भी है। सहज घाटी के ग्रामीण मानदास रेती राम के अनुसार एक पुल का जोड़ा बनाने में 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। तो 3 से 4 दिन का समय लग जाता है, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो इसका यूज नहीं करती है। जो पुराने हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पूर्वज हैं, उनको द्वारा ही यूज की जाती है। एक टाइम के बाद सर्दियों में इनका ज्यादा यूज होता है। तो ये हो गया आपका। दूसरा है धातु शिल्प कला का नायाब तोहफा चंपा थाल। अभी चंबा थाल क्या है, इस तरीके से आपको दिख रही है यहाँ पर चंबा थाल, देखते हैं इसके बारे में जरा। देश का चंबा जिला अपनी संस्कृति और कला के लिए प्रदेश में अलग पहचान रखता है। यहाँ पीतल की थाल पर होने वाला मेटल वर्क और मूर्ति कला में चंबा के शिल्पियों का दूर दूर तक कोई सानी नहीं है। चंबा में शिल्पकार थालों पर पोर्ट्रेट भगवान की तस्वीरों को लेकर किसी भी आम या खास इंसान की हूबहू तस्वीर उकेर देते हैं। तो जिसकी भी तस्वीर बनानी हो, चाहे वो भगवान की बनानी हो, किसी दूसरी की तस्वीर बनानी हो, तो यहाँ के जो मूर्तिकार है वो उसको बना देते हैं वैसे के वैसा। रियासत काल के समय इन थालों पर राजाओं, महाराजाओं, देवी देवताओं सहित चंबा रुमाल से ली गई कलाकृतियां उकेरी जाती थी। तो पहले राजा, देवी देवता, उनकी तस्वीर बनाई जाती थी, लेकिन समय बदलने के साथ साथ पीतल की थाल पर जानी मानी हस्तियों की तस्वीरें उकेरी जा रही हैं। अब जिसका ऑर्डर आ रहा है कि हमारी तस्वीर बना तो बना देते हैं। एक थाल बनाने में 4 से 6 महीने लग जाते हैं, बहुत टाइम पीरियड है। तो 4 से 6 महीने, 4 to 6 month एक थाल को बनाने में लग जाते हैं। चंपा थाल और मूर्तियां बना रहे 84 साल के प्रकाश चंद को उनकी शिल्पकारी के लिए 1974 में राष्ट्रपति भी सम्मानित कर चुके हैं। 1974 में जो प्रकाश चंद है, जो थालों को बनाते हैं, उन्हें भी राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है 1974 में। तो इसी के साथ आज की न्यूज यहीं पर खत्म होती है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।